गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हम हैं अंकिता और अभी हम कुछ भी ब्यूटी ट्रिक्स या कुछ भी व्लॉग बनाने वाले नहीं है। गाइस इंडिया की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते जा रही है, बट देन हमारे हाथों में वो चीज है कि हम उसे रोक सकते हैं बढ़ने से, क्योंकि हमारे पीएम, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, इतने कोऑपरेटिव है। उन्होंने पूरा लॉकडाउन करा दिया है, किसी को मजा तो नहीं आ रहा इस चीज में, सब राशन के लिए दौड़े पड़े हैं। गाइस ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग करना इतना इम्पॉर्टेंट है। जब जॉब करते थे तब सबको बोलते फिरते थे यार हमें तो छुट्टी नहीं मिल रही, रेस्ट करने को नहीं मिलता, का सैटरडे दो होता या संडे दो होते और एक्स्ट्रा सोने को मिलता, दिस दैट यार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं सीख पा रहे, इतने सारे हेल लॉट ऑफ कंप्लेंट्स रहते थे आप लोगों के। बट अब जब छुट्टी मिल रही है तो कुछ नई चीज़ें सीखो ना, कुछ कुछ तो नया सीखो। अगर कुकिंग नहीं आती तो कुकिंग सीखो, ब्यूटी मेकअप वगैरह नहीं आता तो ब्यूटी मेकअप करना सीख लो, गार्डनिंग करना सीख लो, घर की साफ सफाई कर लो, जो कबर्ड जब खोलते हो तो जितने कपड़े गिरते हैं ना उसे एटलीस्ट सजा लो, सब कुछ अपना रूम सफाई कर लो, एक दिन क्लीनिंग डे बना लो, एक दिन कुकिंग डे बना लो, एक दिन सिर्फ फैमिली के साथ बैठ के मूवी ही देख लो यार। यू हैव हेल लॉट ऑफ थिंग्स, एक्सप्लोर करो, इंटरनेट में जाके चेक करो कि क्या क्या आप कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम लोग जनरली न्यूज लगा के बैठ जाते हैं कि यार कोरोना दिस कोरोना दैट, यार ठीक है बहुत बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंदा वाला माहौल हो रखा है इंडिया का, बट ठीक है हम लोग इसमें अपसेट रहेंगे तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते सिवाय घर में बैठे रहने के लिए, राइट? तो हैपनिंग बनाओ ना अपनी लाइफ को, अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, अब मम्मी को हेल्प करो कुकिंग में, अपने भाई को हेल्प करो पढ़ाई में, कुछ भी कर सकते हो यार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर में बैठे रहना तो सिर्फ न्यूज़ लगा के ही देख रहा है, ऐसा तो कोई रूल नहीं बनाया गया कि आपको सिर्फ न्यूज़ ही देखना है, अलर्ट रहने के लिए बोला गया है आपको। यस ये चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अपने हाथों को सैनिटाइज प्रॉपरली क्लीन करना है, अपने फेस में मास्क लगा के जाना है अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो। वैसे बाहर जाना तो नहीं चाहिए बट अगर ऐसा अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ गया, ऐसी कंडीशन आ गई तो बाहर जा भी रहे हो तो अपने फेस पे मास्क लगा के जाओ, घर अंदर आते हो तो चप्पल को बाहर रखो, अपने चाहो तो वो ड्रेस भी चेंज कर लो, जिस ड्रेस को पहन के आप बाहर गए हो उसे भी आप चेंज कर सकते हो। एंड आपको अलर्ट रहना है, सैनिटाइज करते रहो, अगर कोई नॉक करे अपने डोरबेल को अच्छे से एक स्प्रे में भर के रख लो अपने सैनिटाइजर को, एंड सैनिटाइज कर सकते हो बराबर रेगुलरली हर जगह को, दिन में दो पोछे मारो, डिटॉल से नहाओ, डिटॉल ऐड करके, सी नो ब्रांड प्रमोशन ओवर हियर बट देन इट्स ऑल आर सेफ्टी मेजर्स विच वी आर टेकिंग। अगर हल्की सी भी खांसी जुकाम या तबीयत ठीक नहीं लग रहा है इमिडिएटली गो टू अ डॉक्टर एंड गेट अ गुड चेकअप। अगर सर्दी खांसी है नॉर्मल है एंड अगर नेगेटिव वगैरह सारा निकल रहा है तो ट्राई करो कि अपनी जो सर्दी खांसी जुकाम बुखार वगैरह को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए। दैट्स इट, बाहर थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ अपना, दैट्स इट। और क्या बताऊँ आप लोगों को, सी सिनारियो तो बड़ा ही ख़राब है। एक वीडियो वायरल हुआ था मुंबई का, मतलब लाइक आई हैव ऑलरेडी स्टेड इन मुंबई एंड मुंबई को इतना खाली कभी नहीं देखा। एक मुंबई में रहने वाला बंदा ही सोच सकता है कि मुंबई को एकदम सन्नाटा सा रोड, दैट टू इन अ मरीन ड्राइव, दैट टू ऑन संडे, संडे का वीडियो था ऑन अ संडे, मरीन ड्राइव इतना ज़्यादा खाली कभी देखा नहीं था, इतना अजीब लग रहा था, कांट एक्सप्रेस। इवन दोपहर के 2-12 बजे ऐसा लगता है कि यार सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ के अलावा, चिड़ियों की आवाज़ के अलावा सब कुछ सन्नाटा सा लग रहा है। कईयों का कहना है कि यार ऐसा लग रहा है कि घर में जेल में बंधे हैं, बट गाइस ये किसी को मज़ा तो नहीं आ रहा ना आपको घर में अंदर रख के। ऑल दिस आर बिकॉज आपके सेफ्टी मेजर्स के लिए है, ताकि आप खुद भी सेफ रहो और बाकियों को भी सेफ रखो, अपने फैमिली को सेफ रखो। क्या कर सकते हो उसके लिए, घर में बैठ के बस घर में रहो ना यार, ताकि आपकी आपके साथ साथ आपके आसपास के लोग भी सेफ रहे। दैट्स इट, अगर जितने लोग भी हमें फॉलो करते हैं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स, हमारे जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो कोई भी है, यही मैसेज देना चाहेंगे कि अननेसेसरीली बाहर घर से मत निकलो अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो बाहर जाने के लिए। अपने बारे में सोचो, अपने फैमिली के बारे में सोचो। सी कितने सारे न्यूज़ ऐसे भी आए हुए हैं कि जिनको हो रहा है उनके फैमिली मेम्बर्स को भी खतरा है, तो अगर आपको ऐसा फील होता है तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिम्टम्स आ रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दो।
कुछ तो सी बाय दिस ओनली, दिस इज द ओनली वे जिस थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन करना है हमें, जो सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंक्लूडिंग आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इतने सारे सेलिब्रिटीज. हर दिन जब भी इंस्टाग्राम में ऑनलाइन आते तो ही गोज लाइव, शी गोज लाइव एंड एवरीबडी इज गिविंग अ मैसेज कि स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स. तो जब बोल रहे हैं तो करो यार, बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ, आपने देखा ना चाइना एंड इटली की कंडीशन. सी हमारे प्राइम मिनिस्टर इतना एफर्ट ले रहे हैं तो उस चीज़ को वैल्यू करो. एंड एक छोटा सा मतलब इतना सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, बट ठीक है जितना बन पड़ रहा है हमें अपने साइड से करना चाहिए सो दैट हमारा कंट्री एक डिजीज फ्री है. जो कोरोना वायरस नोबल कोरोना COVID-19 का जो डिजीज आया ना, इसे बस उखाड़ के बाहर फेंक दो. दैट्स इट. आशा करते हैं हमारे बातों का थोड़ा सा तो असर हुआ होगा. अपना ख्याल रखो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हेल्दी खाना खाओ गाइज. दैट्स इट. Love you all. Until my next video comes, stay safe, stay healthy. Love you all. Bye.